जी हमारा पैसों का मामला है जी। क्या मामला जी, हमारे पैसे थे भट्टे लगाने में, हमारे मेरे पति से पैसे लिए थे जी। अब मांगे तो उल्टी सीधी धमकिया दे रहे हैं, कभी कह रहे तेरे बेटे को उठवा देंगे, कोठे पे बिठवा देंगे। परसों भी इससे पैसे लेने के थे, मैंने कहा मुझे 50,000 रुपए दे दे, मुझे अपने पति का इलाज करवाना। मेरे घर में खाने को रोटी तक नहीं है, ये बताओ तुम। और ऊपर से कह रहे तेरी बेटी तो 12 साल की है, तो कहीं भी बिठा दे, मैं बिठवा दूंगा। कमाई का धंधा तेरे पास है, तू बैठ जा। किसने पैसे लिए थे जी? पैसे तो उनके पास काफी थे, लेकिन 10.5 लाख का फैसला कर रखा उन्होंने, 10-52 का फैसला हो रहा, वो भी देने को तैयार नहीं है जी। कौन लोग है जी? वो सैनी है जी। कहाँ के हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम सोनू मोनू है जी। अच्छा। संदीप सैनी, प्रदीप सैनी। अच्छा, धमकियां किस तरह की दी जा रही है? धमकियां की मारने की, पति को मार देंगे, बच्चों को उठवा देंगे, इनके साथ कुछ गलत करवा देंगे। धमकी कौन दे रहा आपको? धमकी जी सोनू मोनू भी देता है, उनका गनर भी देता है। एमपी साहब के पास मैं 4 बार जा चुकी इसकी कोठी पे। अच्छा, लेकिन फिर भी कल से फिर घूम रहा गनर यही पे कि तेरे पे तो मैं केस लगवा दूंगा। किसका गनर है जी? एमपी साहब का। क्या मांगे आपकी? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल इंसाफ चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हम लड़ाई। कैराना लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट प्रदीप चौधरी के सरकारी गनर पर पैसे के लेन देन के मामले में धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बारे में एक खातून ने आज कैराना कोतवाली में तहरीर दी है, कैराना थाने में ये तहरीर दी गई है। हम तहरीर भी आपको पेश कर रहे हैं और खातून का एक इंटरव्यू पेश कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया है, बाकायदा वीडियो बयान दिया है, और जो उसके शोहर हैं, मुतासिर हैं, उनका भी एक वीडियो बयान पेश कर रहे हैं। आप ख़ुद ही सुन लें, हमें इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मामला क्या है। बहरहाल उन्होंने इंसाफ के लिए आज कैराना थाने में तहरीर दी है और प्रदीप चौधरी जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी के, उनके सरकारी गनर पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। आप मुकम्मल वीडियो सुनें और पूरे मामले को देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जोड़ हुआ मोहल्ला कस्बा कैराने का हूँ। अच्छा, थाने में आए हैं, क्या मामला है आपका? जी हमारा मामला यह है, हमने काफ़ी टाइम से हमारे मिलने वाले थे, उन्होंने भट्टा लगाया था, उसमें पैसे भी हमसे उधार लिए थे कि भाई हम अगला आपका साझा कर लेंगे। फिर वो भट्टा बेच दिया उन्होंने। कितने पैसे लिए थे? 10.5 लाख रुपये लिए थे। अच्छा, फिर भट्टा बेचने के बाद कहने लगे भाई भट्टा तो बिक चुका है, अब बताओ क्या करना है, तुम दुकान में साझा कर लो। तो हमने दुकान में साझा करने की बात कही तो कह रहे चलो साझा कर लो। अब साझा होने की बात यह है, ना तो हमें दुकान पे बैठने देता है और ना ही हमें दुकान से खर्चा पानी देता है। मेरी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि मैं माइंडली डिस्टर्ब हूँ और हार्ट का पेशेंट भी हो चुका हूँ। कौन है वे जो आपको नहीं बैठने देता? वे सैनी बिरादरी हैं, झाड़केड़ी के हैं, दबंग हैं। मेरी वाइफ उनके पास जाती है, जब भी गई पूछा बात करी तो उल्टा सीधा बोला। ये कह रहा है अपनी बेटी को तू कोठे पे बैठ जा, तुम्हारी बेटी को कोठे पे बैठा दे। क्या मांगे आपकी? अशोक बोलता है, वो कहता है कितने लोग हैं? अब हमारी मांग ये है, हम पिछले 3 साल से धक्के खा रहे हैं, सब जगह कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 साल हो गए भैया। अब हम चाहते हैं कि हमारे ये पैसे जितने भी हैं हमारे वापस मिल जाए, हम अपना कुछ रोजगार करें अपना। और हमें बहुत गंदी गंदी धमकी देते हैं। सांसद जी का गनर है, प्रदीप चौधरी सांसद जी गनर है, उनका बिल्कुल खास आदमी है वो, पिछले 8 साल से उनके यहाँ काम करता है। और जिन पे मेरे पैसे हैं इनका सगा बहनों ही है, मतलब ये उसका सगा साला है गनर जो है। अब ये भी फ़ोन पे धमकियाँ गंदी गंदी देता है कि सांसद जी का मामला है, सांसद जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, थाने में भी कार्रवाई कर रखता हूँ, तो ये फ़ोन करके कह देता है और कहता है कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हारे पे गलत गलत मुकदमे करवा दूंगा। इसी वजह से हम 3 साल से उलझे पड़े हैं, 2-3 बार पंचायत भी हो चुकी है, गाँव की भी शहर की भी, लेकिन किसी का फैसला मानते ही नहीं। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब मन ऐसा करता है कि आप बच्चा कर। क्या आपने इससे पहले कोई शिकायत नहीं की किसी को? हमने शिकायत सबके सामने की जी, कोतवाल साहब को भी दी, एसपी साहब को भी, सब जगह दी हमने। लेकिन आखिर में वो ये कुछ तो सांसद जी की मेहरबानी हो जाती है, फोन हो जाता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत थाने में पैसे दे दिए जाते हैं, उसमें मामला बराबर कर देते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले, मेरे पैसा मिले, हमें ना लड़ाई करना ना हमें झगड़ा चाहिए। परसों भी मेरी वाइफ उसकी दुकान पे कहने गई भाई उसके पति की, मेरी पति की ज़्यादा तबीयत खराब है, थोड़े बहुत पैसे हमें दे दे, तो उसको उन्होंने कहने लगा तू तो जवान है कोठे पे बैठ जा, तुझे अभी क्या लड़की है।